हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिद्धिमा व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। आज डे है संडे और डेट है 26 दिसंबर, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7:15 बज रहे हैं। और आज का जो व्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ किचन से, ठीक है जी। और आज मैं बनाने वाली, जैसे कि आप देख सकते हैं, गाजर का हलवा। गाजर जो है मेरा लास्ट व्लॉग, जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता ही होगा कि मैं ये गाजर का हलवा बनाने वाली थी 25 दिसंबर को क्रिसमस पर कुछ रीज़न हो गए थे, वो लास्ट व्लॉग में आपको पता ही है, जिन लोगों ने देखा है उनको पता चल गया होगा क्या रीज़न थे कि मैं नहीं बना पाई। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, ठीक है जी। और सर्दियाँ हो, गाजर का हलवा ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड हो जाती है ना, तभी गाजर का हलवा अच्छा लगता है। और आज वाकई में वो दिन है, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, सुबह से ही जो है ठंड हो रखी है। तो आज बनने वाला है गाजर का हलवा, ठीक है जी। और मैं इस तरह से बनाती हूँ, पहले दूध डालती हूँ। कुछ लोग जो है पहले घी में गाजर को सेकते हैं और उस तरह से बनाते हैं, बट मैं ये पहले दूध डालती हूँ, दूध में गाजर को पकाऊंगी और उसके बाद लास्ट में घी डालूंगी। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, ठीक है जी। और गाजर रात को जो है दीजिए ने कद्दूकस कर दी थी, तो मैंने सुबह सुबह उठते ही जो है फर्स्ट काम यही किया है, गाजर का हलवा चढ़ा दिया है गैस पे। और क्योंकि इसको पकने में जो है काफ़ी टाइम लगेगा, करीबन जो है दो तीन घंटे आराम से जाएंगे गाजर का हलवा बनने में। तो मैंने जो है सुबह सुबह उठते ही आज नहा ली हूँ मैं, क्योंकि फिर भोग लगना है गाजर के हलवे का, तो बिना नहाए तो नहीं बना सकती, क्योंकि फिर भगवान जी को भोग भी लगाना है। तो सबसे पहले उठते ही मैंने नहाने का काम किया है अपना, साफ़ सफाई भी हो गई है। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, पर मैंने सुबह का जो है कुछ भी और शूट नहीं किया, क्योंकि फिर मैंने कहा अगर शूट करने बैठूंगी तो फिर मुझे लेट हो जाएगी और फिर गाजर का हलवा बनने में भी लेट हो जाएगी। तो सुबह का मैंने झाड़ू पोछा वगैरह आप लोगों को कुछ नहीं दिखाया, वैसे भी रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा दिखाऊंगी तो आप लोग भी देख देख के बोर हो जाएंगे। तो फिर मैंने वो कुछ भी शूट नहीं किया है, मैंने ये किचन से ये वीडियो जो है शुरू किया है, ठीक है जी। तो इधर गाजर का हलवा बनने रख दिया है और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, ठीक है जी। दूसरी वाली छोटी डॉल के ये दोनों है। ये फ्रेंड्स को बता, तुमने बहुत अच्छा क्रिएटिव काम किया है ये। तो उस ये ना मैंने ये वाला, पता है ये कैसे बनाया? ये मेरी दूसरी डॉल का टूटा हुआ पड़ा था, मैंने इसको बना दिया। अरे वाह। उसके बाद ये टोपी लाए थे ना अपने किचन, किचन थी ना एक, अपनी जो किचन थी ना जो मैं लाई थी वहां से, उसका उसकी टोपी उतरी हुई थी तो मैंने इसको पहना दी। और इसके बाद मैंने ऊपर और ऐसे ऐसे कर दिया। सब समझ आ रहा है मेरे, इतनी अच्छी ये करके लेके आई है नीचे से, इसको ये बिल्कुल इसको बेचारी को कर दिया था नंगी पुंगी, आप सस्ती करके लाई है, कपड़े पहना के लाई है। उसके बाद है ना, इसके बाद पहले ऊपर हो रखे थे एकदम से घोसले जैसे हो रखे थे, इसके बाद ना मैंने ना इसको ऐसे 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 कर दिया। 2-4 घंटे तक करते रहना पड़ा मुझे, है 2-4 घंटे तक, तब जाके सी जो है वो ऐसे थे पहले, देखो क्या ऐसे थे पहले बाल, अब ऐसे रहे हो रहे। आप अब चप्पल पहनो, पहले सबसे पहले तो अपनी चप्पल है कहाँ, बाहर छोड़ के आई है ना, तो सीधे भी बात। हाँ जी, तो यहाँ देव जी का मन है, आज ठंड का मौसम है तो उनका मन है राबड़ी खाने का। तो वैसे तो मैं दिन में बनाती खाने के टाइम, बट वो बोले कि नहीं नाश्ते में ही बना दो, तो मैं इधर एक साइड में जो है राबड़ी भी बना रही हूँ, गाजर का हलवा बन रहा है, बच्चे भी उठ गए हैं। बुलबुल का ये रहता है कि जब स्कूल होता है ना तो वो उठाने पर भी नहीं उठती है मैडम, और जब स्कूल नहीं होता उस दिन वो जल्दी उठ जाती है। तो आज मैडम जो है 7:30 बजे ही उठ गई थी, और बातें आपकी ने बातें उसकी आपने सुनी ली होगी, मेरी तरह जब वो बोलना शुरू कर देती है तो चुप ही नहीं होती है, ठीक है जी। और यहाँ मैं बना रही हूँ मूली के परांठे नाश्ते में। दीदी भी आ गई है, हाँ उनसे बात कर रही हूँ, देखो पढ़ाई की किताबें रखी हुई है, अभी भी छुट्टी करने लग रही है, देखो
मुझे शूट करने में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैंने अभी अभी कैमरा में पापा को जाते हुए देखा है। लुडू दीदी से हाय। सर ने कब कराए थे? इसे ब्लॉग बनाने का ज्यादा शौक भी है इसलिए हम इसके पास ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ आटा और मूली जो मैंने कद्दूकस करी थी ना, और उसको जो निचोड़ने के बाद जो पानी था मूली का, उसी से मैं आटा गूंद रही हूँ। इसीलिए मैंने जो है पहले आटा नहीं लगाया था, मैंने सोचा था वो जो पानी है उसको फेंकेंगे नहीं क्योंकि उसमें भी जो है पौष्टिक तत्व होते हैं, उसको फेंकना नहीं चाहिए। तो मैंने जो है वो मूली का पानी जो निकला था उसी से मैंने आटा गूंथ लिया है, और मतलब आटे में ही डाल लिया है उसको भी। और यहाँ देखिए हलवा जो है वो भी थोड़ा थोड़ा अब बनने की कगार पर है, और जो दूध है वो बिल्कुल गाढ़ा होके मावा बन चुका है, अच्छे से पक चुका है, और इसको करीबन टाइम लग गया है, 2.5-3 घंटे लग गए हैं इसको पकने में। और फिर मैंने अब इसमें चीनी भी ऐड कर दी है, तो चीनी भी जब पक जाएगी, चीनी को भी पकने में जो है करीबन 15-20 मिनट का टाइम लगेगा अच्छे से, तो जब चीनी पक जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी। ठीक है जी, तो आज तो जो है बिल्कुल सर्दी के मौसम में ना दावत वाला खाना हो गया है, गाजर का हलवा गर्मा गर्म मूली के परांठे। दे जी बोल रहे हैं ऐसा, आज वो कह रहे हैं आज तो मौज कर दी सुबह सुबह ही। और बस अब चीनी जब पक जाएगी, पक गई है, तो अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है घी। तो मेरा ऐसा कोई नाप तोल नहीं है कि हाँ मतलब इतना ग्राम मैंने चीनी डाली है, मैं अपने अंदाजे से ही डालती हूँ। मतलब हाथ बैठ गया है इतने सालों से बना रहे हैं, तो कोई मतलब ऐसे मतलब ग्राम वगैरह मतलब से चेक करके नहीं डालती हूँ, मैं अपने अंदाजे से ही डाल देती हूँ। मतलब जब खुशबू आती है ना उससे ही पता चल जाता है कि हाँ चीनी पूरी परफेक्ट है, मीठी मीठी खुशबू आ रही है, तो परफेक्ट मतलब नाप रहता है मेरा जो मैं डालती हूँ। ठीक है जी, आप सोचेंगे अरे ऐसे क्या रेसिपी बता रही है। तो देखिए आता तो सबको ही होगा गाजर का हलवा बनाना, मैं जस्ट आप लोगों के साथ अपना मतलब दिखा रही हूँ कि आज मैंने बनाया है। मैं मतलब किसी को सिखा नहीं सकती हूँ कि हाँ मतलब किस तरह से मैंने बनाया है। ठीक है जी, और यहाँ पे बस मैंने इसमें इलायची डाल दी है, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ किशमिश और ये थोड़े से काजू। ड्राई फ्रूट्स मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे इसमें से जो है ना छाटा काटा छाटी करेंगे, इनके निकालेंगे, वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं। गुड्डू तो बादाम डाले हुए तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो मैंने बादाम तो डाले ही नहीं। और ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है, पहले जो है लाइट की वजह से वो वाइट वाइट दिख रहा था हलवा, बट बिल्कुल रेड वाला अच्छा वाला जो है गाजर का हलवा बन के तैयार हुआ है। और गुड्डू को बहुत पसंद है गाजर का हलवा, बिल्कुल मतलब बुलबुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और गुड्डू को बहुत पसंद है। बुलबुल तो टेस्ट भी नहीं करेगी उसको, तो मतलब ज़बरदस्ती 1-2 चम्मच मैं खिलाऊंगी और गुड्डू जो है शौक से खाएगी 2-3 दिन तक, और ये 2-3 दिन तक आराम से चलेगा ये हलवा जो है, इतना क्वांटिटी में बनाया है एक साथ। हालांकि टाइम तो काफ़ी लग गया था, सुबह मैंने 6:30-7 बजे करीबन चढ़ाया था इसको, और इसको बनने में टाइम लग गया था, 11:30-12 बज गए थे बनने में, 11:30 बज गए थे। ठीक है जी, तो गाजर का हलवा बन गया है, परांठे बन गए हैं, राबड़ी बन गई है। तो ये है आज की संडे स्पेशल, विंटर स्पेशल हमारा नाश्ता। और अभी यहाँ गुड्डू जो है भगवान जी को भोग लगा रही है सबसे पहले, और फिर बच्चे भोग लगाएंगे, और बुलबुल पता नहीं क्या कह रही है यहाँ पे। ठीक है जी, तो पता नहीं मैंने अच्छे से आपको रेसिपी बताई है या नहीं, आप लोगों को समझ में भी आई है या नहीं। मम्मी ऐसा तो हमारे मैम ने भी बोला था कि राज्य के रॉलिंग ने जेल में बैठ के फर्स्ट लिखी थी हैरी पॉटर। वही रखता है डबल किसके साथ आएगी सॉस मैं मेरे लिए थोड़ा सा अचार भी डाल लेना, मैं टेस्ट करूँ ये अचार के साथ, ठीक है ना। पियो यो ये बैठे
आ रहा है ना शिता। मैं चाह तुझे किसी और को तू चाहे यारा, एक जन्म भी है 100 जन्म भी है तुझे वारा। जब आए तुझे हिचकी हम याद करते हैं। थोड़ा इसे उठा के गाजर के हलवे को जा के लैपटॉप लेके आओ। बैठी बैठी यहाँ पे टाइम पास कर रही है। तुझे तो पता ही होगा, तू तो रोज ही करती है ना। देख मेरी बात, ये वाला मेरा है, ये वाला तेरा है, ठीक है ना। इसके अंदर थोड़ी सी कम बनवाई हमने, तभी तो इस पर एक्सचेंज किया है यार। नहीं तो बना बढ़िया। अब ये दूध का फेवरेट है यार, बहुत ही फेवरेट बड़े हैं उनके फ्रंट है। दूध का फेवरेट है गाजर का हलवा। ये देख लें, स्टोरी देख लें, तो स्टोरी तो देख सकते हैं इसकी। बाबा शुरू तो कर बेटा। कर रही है कि दुकार ही है, दुकार ही है, टॉप 10 है। तू परांठे का पोस्टमार्टम मत करने बैठ जाना, ठीक है ना। खा लेना इसको, वरना मैं गाजर का हलवा भी नहीं दूंगी, वो भी छीन लूंगी। अभी टाइम मिला है मुझे सुबह से आप लोगों से रूबरू होने का, बातचीत करने का। सुबह उठते ही जो आज मैं काम में लग गई थी, क्योंकि संडे था। माफ कीजिएगा, कफ है ना, अटक रहा है अभी भी, है थोड़ा थोड़ा सर जुकाम पूरा एकदम से, कफ मतलब कफ है अभी भी, निकला नहीं है। तो लूँगी काढ़ा, लूँगी एक दो दिन, उससे ठीक होएगा। तो हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट सबका हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 1:30 बज रहे हैं। तो मेरा सारा काम जो ना अब हुआ है, और मेरा भी ब्रेकफास्ट क्या, मैंने तो लंच ही हो गया मेरा तो, मैंने भी खाना वाना खा लिया। अब लंच तो आज लेट ही होगा, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में जो है ना बहुत सारी चीज़ें बन गई, तो पता नहीं कोई खाएगा तो बना दूंगी। रोटी आटा तो मेरे पास रखा है, कोई सब्जी देखूंगी, अभी तो सोचा भी नहीं है क्या बनाऊंगी, क्योंकि राबड़ी हलवा मूली के पराठे बहुत कुछ खा लिया है। तो बच्चे भी कह रहे हैं मन नहीं है खाने का, देजी से अभी फ़ोन करके पूछूंगी कि वो खाएंगे क्या, उस हिसाब से बना दूंगी कुछ। और ये स्टॉल जो है ना, ये मेरी शादी का स्टॉल है, मतलब ये हो गया करीबन 15 साल पुराना स्टॉल है ये। ये देखिए, इसमें ऐसे सितारे से लगे हुए हैं, मेरी शादी में दिया था, और आज तक मैंने कभी इसको मतलब पहना ही नहीं, क्योंकि पहले साड़ी पहनती थी तो स्टॉल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सिर पे पल्लू रहता था तो सिर ढका ढका ही रहता था, तो स्टॉल कभी यूज़ ही नहीं आया। बट अभी सूट पहनती हूँ तो फिर ये यूज़ आ रहा है। और देखिए पहले चीज़ कितनी अच्छी आती थी ना, मतलब 15 साल पुराना हो गया ये, बट अभी तक वैसा ही पड़ा है। बस पड़ा पड़ा तो क्या ख़राब होता है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं।
हाय बच्चों, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम स्टडीइंग। ये बच्चा है, ये दोनों आज अपना रूम छोड़कर यहाँ बैठे पढ़ने के लिए। ये रूम ठंडा हो रहा है, उसमें हीटर चला हुआ है, वो ठीक है? ये ठीक है, ये वाला सही है। ये वाला सही। ये सही है। हाँ। वो ठंडा रहता है, ये गर्म रहता है। बहम हो रहा है तुम्हारे? बुलबुल हाय कर दो। बुलबुल नहा ली है, बुलबुल ने हेयर वॉश किया है, वो नहीं नहाई है लड़की। कल नहाई थी क्या तू? हाँ। कल नहाई थी, आज नहीं नहाई है। नहाऊंगी तो। पता नहीं नहाएगी नहीं नहाएगी, कोई वो नहीं है। बुलबुल नहा ली है, हेयर वॉश कर लिया क्योंकि आज संडे है, कल से स्कूल है बुलबुल के। यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं है बड़े दिनों की, अब पता नहीं क्यों नहीं है, बट नहीं है इस बार छुट्टियाँ। बुलबुल कर रही है होमवर्क, गुड्डू भी अपनी पढ़ाई कर रही है। यहाँ पे ये सो रही थी तू? नींद ले रही थी नहीं, तो नहीं। सुबह जल्दी उठ गई थी क्या? मैं सो जा, लेट जा, थोड़ी देर नींद आ रही है। यहाँ पे इस टीवी में भी है ना, पहले सीसीटीवी कैमरा जो है ना नीचे टीवी में चलते थे, ऊपर नहीं चलते थे। आज सेटिंग कर दी है गुड्डू ने, तो अभी यहाँ भी चलने लगे हैं, तो अभी हमें पता चल जाएगा बाहर कौन आ रहा है। हाँ, तो बीच बीच में बुलबुल चेक भी कर रही है कि कोई हलचल हुई है क्या, क्योंकि आज है ना पूरा घर बंद कर रखा है। इधर वाला गेट मैं हमेशा खोल के रखती हूँ, पर आज तो ये भी बंद कर रखा है क्योंकि आज मौसम जो है ना बहुत ठंडा वाला, बादल बारिश वाला मौसम हो रखा है। यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, धूप नहीं आई है बिल्कुल भी। हाँ हाँ, क्या देखो बेटा? मेरी डॉल अपने आप चल रही है। अपने आप ही चल रही है, तेरे जैसी लग रही है मेरे को तो, एकदम सेम सिर तुम बहने बहने लग रही है। देखो जुड़वा पहने है ना, बहने बहने लग रही है मेरे। सेम कैप, सेम बाल, देख ड्रेस भी सेम मैचिंग बबल। रेड कलर की ड्रेस, अगर वो स्कूल वाली कैप होती तो एकदम सही मैचिंग हो जाती। हाँ, मैचिंग हो जाती। तो ये है आज का मौसम, बादल हो रखे बिल्कुल। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे। अब मेरी बारी, मेरी तरह। ओके, तू भी कर दे, इधर आओ। ओके, टाटा बाय बाय, लव यू एंड सी यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अब मेरे को एक बात बोलनी है। हाँ बोलो बेटा, इधर आओ। अगर आप हमारे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, मम्मी पापा को भी दिखाना। ओके, और दीदी दीदी या फिर भैया हो तो उनको भी, और अगर दादा दादी हो तो भी। ओके बाय।